रियान भाई, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? रियान भाई, रियान क्या पता नहीं, आग लग गई शायद। आप क्या पूरी रात यहीं सोते रहे? आप सारी रात क्या मतलब? नहीं, बस अभी थोड़ी देर पहले आया था तो आग लग गई, पता नहीं चला। भाई, मुस्कान कहाँ है? कमरे में होगी ना, पानी ला दोगी मुझे? जी, अभी लाए। मुस्कान बीबी, आपकी चाय। रेशमा थैंक यू। नहीं, बीबी, चाय लाऊं आपके लिए? रियान साहब आपको पानी दे दो। ठीक। मुस्कान, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं। मुस्कान, मुस्कान, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा मुझे। अच्छा है ना कि मर ही जाऊं। कैसी बातें कर रही हो ये? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। और तुम रो क्यों रही हो? यान भाई भी लाउंज में सो रहे थे। तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? झगड़ा हुआ है? देखो मुस्कान, प्लीज मुझे कुछ बताओ ना, मैं तुम्हें अपनी हर बात बताती हूँ। रेहान को पता चल गया है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने नहीं बल्कि अनस से मिलने गई थी। उसे लगता है कि मेरा अनस का अफेयर चल रहा है। ये क्या कह रही हो मुस्कान? ठीक कह रही हूँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारे भाई का। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। रियान भाई को अभी अपने अनस के निकाह के बारे में जाकर सब कुछ बता रही हूँ। पागल हो गए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती मुस्कान, मेरी वजह से तुम्हारे और रियान भाई के दरमियान कोई भी गलत फहमी है, मुझे जाने दो। अलिश्मा, अलिश्मा, एक बात सुन। अलिश्मा,